राम राम जी। हैप्पी फैमिली सरोज की कहानी में आपका स्वागत है जी। एक सेठ है जी, उसका तीन लड़के हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लाग रहे मतलब सही हैं। सेठानी की तो सोच थी बड़े घरा के बच्चा में ही ज्यादा दिमाग को है, और सेठ की सोच थी बुद्धिमान तो सभी होते हैं, कोई गणा कोई थोड़ा, पर इस बात में सेठानी नहीं मानती थी। तो सेठानी बोली मैं अपने बच्चे के साथ ही अपनी हिसाब किताब दे लूंगी। सेठ ने कहा ठीक है। उन्हें बहुत अमीर घर में दो बेटे ब्याहे। सेठ बोले आपने अपनी पसंद तो दो बेटे ब्याह लिए, एक की शादी मैं अपने हिसाब तक करूंगा। सेठ ने कोई खानदानी अपने दोस्त की अगर तो लड़की ली, वो लड़की बहुत समझदार थी, ठीक थी। तो एक दिन नुए चलता रहा, क्योंकि सेठानी को तो वह छोटी तक फुटिया निभावा थी और बढ़िया की वह सारी बात मानी थी। छोटी कभी कभार बोल भी पड़ती था, तड़तड़ा का पड़ती सेठानी, लेकिन छोटी वो कभी जवाब नहीं देती पलट कर। इसी तरीके से काम चल रहा था। तो सेठ को बड़ा दुख होता, सेठ का समझ भाई क्यों नहीं मैं इनका यू बाट बूट दूँ, अपने हिसाब तक करेंगे। सेठानी की सलाह ली, बोला मैं जो यू मेरा काम काज है ना बाट दूँ, अपने हिसाब किताब तक कर लेंगे। बोली हाँ हाँ ठीक है, क्या करना चाहिए, अगर ताली तो बड़े को दे दो, बड़ी बू को दे दो, ये संभालने में ठीक रहेगी, और रसोई का देना लेना है जो यू इसको बिचली बू को दे दो, और ये तो झाड़ू पोछा कर लेगी, छोटी तो इसी लायक है। तो छोटी बू ने कोई इतराज नहीं था, बड़ी खुश होगी। बोला पर सेठ को बड़ा दुख होया। सेठ बोला ठीक है, करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी अपनी औरत की सलाह ले हुआ है। तो उन्होंने बोला फिर भी मैं इनकी परीक्षा लेना चाहूँ, थोड़ा सा हिमतान अकेले लो, मैं बहुत खुश हूँ। सेठ ने तीन कटोरी अनाज की मंगाई, यानी के किलो सवा किलो अनाज, एक का किलो सवा किलो, एक का किलो सवा किलो, मतलब तीनवा का किलो किलो का अनाज मंगा दिया। मंगा कर तीनवा तो सौंप दिया, कवाला बेटा इन्हें रख लो, मैं एक साल के बाद मैं आप पे मांग लूंगा इसने, तो देखता हूँ भी संभाल कर रखियो, खराब नहीं हो जाए। ठीक है जी। एक ने तो सोचा मैं इसका, बड्डी ने तो सोचा मैं इसका क्या करूँगी, एक साल संभाल कर रखूंगी, हमारे पास इतना अनाज है, एक एक शेर की जगह मैं चार शेर दे दूंगी, गल कर भंडारे में तय, उन्हें तो वो भगा दिया। दूसरी ने ठाकर रसोई में रख दिया, भाई रसोई में काम यू जो है ना जो आटा पीसेगा, तो इसने उसने रसोई में रख दिया। छोटी ने एक चिट्ठी, चिट्ठी के साथ वो अनाज अपने घर बेच दिया। बात खत्म। राइट, एक साल के बाद राजा ने कहा भाई आ जाओ और वो अनाज ले आओ, मेरा साथ में बुलवाए आए। आड़का उन्होंने कया बड़ी बू आड़का खड़ी होगी, किसी से ऑर्डर दिया भाई जा भंडारे मत अच्छे वाली कनक लिया, क्यों भाई वह मैंने कनक दी थी वह कहाँ गया वो अनाज, नुको तो मैंने फेंक दिया था, बाबूजी अपने पास भंडारे में थोड़ा अनाज है, उस शेर अनाज को मैं संभाल कर रखू थी। ठीक है खड़ी हो जा। फिर वह बिचली बू बुलाई, बेटी तिरत दिया था अकमन तो पिताजी रसोई में रख दिया था, भाई रसोई में काम आने की चीज है, और हमारे पास तो बहुत अनाज है, मैं यू रसोई में काम आ जाएगा, तू भी खड़ी हो जा। छोटी बहू तो बोली बोला पिताजी, बेटी तेरा अक पिताजी, उसके लिए तो आपने गाड़ी भेजनी पड़ेगी वो अनाज लेने के लिए, मैं कैसे ले सकती हूँ इतना अनाज। नुका क्यों कहाँ से कहाँ भेजनी पड़ेगी बेटा, अक पिताजी मैंने वो अनाज अपने मायके को भेज दिया था, और वो तो बहुत ज़्यादा हो गया वो अनाज, तो वो तो गाड़ी में ले आ जाएगा। तो कवक बोला कैसे, पिताजी मैंने एक चिट्ठी लिख कर अपने घर भेज दिया था, मेरे भाई को दे दिया था, और मेरे भाई ने उसकी बिजाई करी, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तुम गाड़ी में ही आओगा। नुका देख सिठानी बता, अक वाह बेटा वाह, ये जरूरी नहीं है अभी गरीब अमीर घर का ही बच्चा बुद्धिमान हो, ये तो बुद्धिमान तो किसी घर में भी हो जाए और अनबुद्धिमान भी किसी घर में हो जाए। तो इसीलिए राजा का फैसला था छोटी बहू तो ताली संभालेगी और बीच वाली बहू रसोई संभालेगी, क्योंकि उसने अनाज खराब नहीं करा था, और सबसे बड़ी बहू झाड़ू पोछा करेगी, क्योंकि उसने उस अनाज की कदर नहीं समझी, उन्होंने बगा दिया था कूड़ा कचरा समझ कर। राम राम जी।